तैयारी उनको करनी पड़ती है ना, कि जो विकास नहीं किए हैं, जो परेशान हैं और जिनके साथ जनता नहीं है। हमारे साथ सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है। टिकट देने वाले की कमी नहीं है इस दुनिया में, और टिकट लेना देना जो होना होता होता ही है। 21 साल से मैं जनता दल यू में हूँ, ईमानदारी पूर्वक रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बाद भी उचित सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे पे FIR कराया गया, बार बार पुल गिर रहा है, क्या कार्रवाई किया आप लोगों ने? सच बोलना अगर बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ, गर्व से कहता हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम चुनाव के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तैयारी उनको करनी पड़ती है ना, कि जो विकास नहीं किए हैं, जो परेशान हैं और जिनके साथ जनता नहीं है। हमारे साथ सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है, और माँ का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, सबसे बड़ी बात मिट्टी का आशीर्वाद है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर वक्त जंग के लिए तैयार बैठे हैं। परबत्ता विधानसभा के विकास को देखकर, जैसे कि अन्य विधानसभा का जो क्षेत्र है सभी विकास पीछे चलती है, उसके बावजूद भी आपको टिकट लोकसभा में क्यों नहीं मिले? अभी तो टिकट का डिसीजन हुआ नहीं है हमारे NDA में, जब नहीं मिलेगा तो सोचा जाएगा। मैं तो अपनी बात को रख चुका हूं माननीय मुख्यमंत्री के पास। संजीव कुमार की पहचान कोई पार्टी से नहीं, विकास पुरुष से है। आपने जो काम किए हैं डंके की चोट पर किए हैं, पर ऐसा क्यों होता है जो आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है? अभी तो डिसीजन ये हुआ नहीं दिया जा रहा है, और टिकट देने वाले की कमी नहीं है इस दुनिया में, और टिकट लेना देना जो होना होता ही है, वो सब भगवान की कृपा है। भगवान चाहेंगे लड़ेंगे, जनता चाहेगी लड़ेंगे। लोगों का कहना है कि आपका नाम विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, इस बार क्या जनता आपके साथ खड़ी है? उम्मीद से ज्यादा जनता हमारे साथ खड़ी, और हमसे आगे जनता है। जनता का आशीर्वाद जो है ना, वो सर्वोपरि है, तो यही हमारी ताकत है। आज तक जो मैं किया हूँ, हर सुख दुख में उनके साथ रहा हूँ, तो जनता के विश्वास पे ही मेरे में दम है। और मैं तो शुरू से बोलता हूँ, उन्होंने जो प्यार दिया है हमारे परिवार को, पिताजी को, भाई साहब, हम लोगों को, हम उसको सूद समेत वापस करेंगे और आजीवन ऋणी रहेंगे जनता की प्रवक्ता के इस बात के लिए। जैसा कि क्षेत्र में विकास के नाम पे आपको वोट लोग कर रहे हैं, दूसरे दल के जो नेता लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप FIR करके तब दल बदलू नेता की तरह अबकी बार दूसरी पार्टी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उसको क्या जवाब देंगे आप? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है ना, और हित में जो होगा खगड़िया के, परवत्ता के, वो हम करेंगे, ठीक है। और जहां तक दल बदलने की बात है, जिस दल में आप हैं, मैं 20 साल से जनता दल यू में हूँ, 2003 से लेकर के, और 21 साल हो गया, 2024 हो गया, 21 साल से मैं जनता दल यू में हूँ, ईमानदारी पूर्वक रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बाद भी उचित सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे पे FIR कराया गया, वो भी फर्जी FIR, तो जनता तो इसका जवाब देगी। इसके बाद उनको बोलने का कोई हक नहीं है। मैं तो किसी दल में अभी जाने का प्लान नहीं किया हूं, अगर चला भी गया तो किसी को कोई बोलने का हक नहीं है कि आप क्यों दल छोड़ के गए हैं। नाराजगी थी विकास को लेकर के, और उसको मैंने दर्ज कराया कि भाई आप विकास का कार्य हमारा बाधित कर रहे हैं, एक दो पदाधिकारी मिलके, एक दो मंत्री, तो भाई क्यों नहीं, भाई जनता यहाँ पे हमें वोट दी है विकास कराने के लिए, और अगर विकास कराने में हम असफल रहे कुछ किस मुद्दे को लेके, अगवानी सुल्तानगंज पुल का क्यों 10 साल से बन रहा है, क्यों इसमें डिले हो रहा है, इतना बार बार पुल गिर रहा है, क्या कार्रवाई किया आप लोगों ने, क्यों नहीं जो IS है इससे रिलेटेड है, इसके विभाग के प्रमुख पर कार्रवाई की गई, इस सब बात को लेकर के, किसी को आग लगा हुआ तो आग लगने दीजिए, सच बोलना अगर बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूँ, गर्व से कहता हूँ। आपकी बार क्या सोचे कि इस पार्टी का चुनाव लड़ेंगे, जनता को क्या बताएंगे? हमारा तो पहला प्रेफरेंस है कि मैं NDA से लड़ूं, जिस दल में हूं मैं वहां पे आग्रह किया हूं कि मैं उससे लड़ूं, मैं चाहता भी हूं, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है, फिर समय का चक्र है। लोगों का कहना है कि जैसे अभी चारों तरफ मीडिया में भी और सब जगह पता चल रहा है कि RJD में आप मिल रहे हैं, उनके द्वारा टिकट मिल दिया जा रहा है, आपको ऑफर दिया जा रहा है। देखिए, मैं कहीं भी ये अपने मुख से नहीं बोला हूँ कि मैं किस दल से लड़ रहा हूँ, मैं जिस दल में हूँ हमारी कोशिश रहेगी उसी दल से लड़ूं। मीडिया में क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसका अलग बात है, लेकिन जिधर से लड़ूंगा ये जीतूंगा, और मुझे विश्वास है यहाँ की जनता पे इस बार सही प्रतिनिधि चुनेंगी, मुझे विश्वास है इसमें। कहीं पोल बिहार में अभी चल रहा था जिसमें
प्रवक्ता के विधायक आप डॉक्टर संजीव कुमार की तरफ से वोटिंग हुआ, सबसे ज्यादा आप ही का रेटिंग उठा और चार जो कैंडिडेट थे जो खगड़िया से भी लोकसभा चुनाव के लिए आपके प्यार में लोग को देखे कितना ज्यादा वोटिंग किया, ऐसा क्यों है जो आपके प्रति पब्लिक का प्यार देखने को मिल रही है? देखिए, पब्लिक मेरे क्रियाकलाप को, कार्य को, कार्यशैली को, कार्य करने की क्षमता को, विकास करने की क्षमता को पिछले 3.5 साल से देख रही है। उसके पहले भी मैं राजनीति में, पिताजी भी थे तो मैं पूरा सक्रिय था, और पिछले मैं 20 साल से इस क्षेत्र में हूँ समाज सेवा में, तो पब्लिक मुझे घर घर की जनता मुझे जान रही है, इसलिए पब्लिक का प्यार है, जनता का प्यार है कि इतना वोट मुझे सर्वे में ही भी मिला, ये जीतेंगे। तो अब रिजल्ट तो देखिए आउट है यहाँ पे चुनाव में, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।